हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता था कि डीडी फ्री डिश पे जो चैनल जुड़ने वाले थे, जैसे कि बहुत से चैनल जो है जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़े नहीं है, पर सार भारती की तरफ से ये एक बड़ी न्यूज़ आई है जो कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मेरे जो कमेंट आया है इस बार, JS कार्टून TV है और लद्दी विर्क, थैंक यू आप दोनों को। और यहाँ पे फन टू फन, आयुष कुमार, योगेश नागर, मनवीर, आप सभी को भी थैंक यू कमेंट करने के लिए। तो अब चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो प्रसार भारती ने जो है एक नया ऐलान किया था कि 47E ऑक्शन को वो स्टार्ट करेंगे डीडी फ्री डिश पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ये इनका एक कारण है, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि स्टार भारत चैनल जैसे सोनी वाह ये सब चैनल भी ऐड होने वाले थे लेकिन नहीं हुए। तो उन्होंने इसके ऊपर जो कहा है, आप लोग कहते हो कि भाई आप फेक वीडियो बनाते, तो अगर मैं फेक बनाता हूँ तो आप इनके ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हो, ठीक है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में ऑफिशियल डाल रखा है कि ये अभी चैनल ऐड नहीं हो सकते, जो कि ये CEO है डीडी फ्री डिश के। यहाँ पे हमेशा डेली मीटिंग होती है, उसमें ये लोग बात करते हैं प्रसार भारती के लोग कि कौन से चैनल को हम ऐड करें और कौन से चैनल को ना करें। जिसमें से इन्होंने, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों या दिनों पहले 46E ऑक्शन स्टार्ट हुआ था डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में, जो कि MPEG 2 सेट टॉप बॉक्स के लिए था। और ये 47E ऑक्शन भी जो है डीडी फ्री डिश के चैनल के लिए ही है, डीडी फ्री डिश के लिए ही है। तो उसमें आपको जो है बहुत सी न्यूज़ आई थी कि कार्टून भी दिखाए जाएंगे डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म में, लेकिन ऐसा अब जो है नहीं होगा। ये प्रसार भारती के CEO ने खुद कहा है कि अब कोई कार्टून चैनल ऐड नहीं होगा, अगर होगा तो वह ऑफिशियली ही बताएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो कर लेना, वो अगर जैसे ही बताएंगे और खबर आएगी तो मैं तुरंत इस पर वीडियो डालूंगा, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्रसार भारती आपको बता दे कि बहुत ही डीडी फ्री डिश के CEO से डेली ही मांग की जाती है कि ये 47E ऑक्शन कब चालू करा जाएगा डीडी फ्री डिश पर। पर इनको भी तो कोरोना के कारण, ये अभी मैं आपको बता दूं कि ये अभी हो जाता, लेकिन कोरोना के इतने केस बढ़ते जा रहे हैं कि इसके चलते यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी मीटिंग तो होती है, पर इसमें बहुत से लोग जो है होते हैं मीटिंग में, कोई कहता है कि करा जाए और कोई कहता है कि ना करा जाए, इसीलिए बात बीच में अटक रखी है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो है 47E ऑक्शन MPEG 2 सेटअप बॉक्स के लिए तो चालू हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, ये 100% होके ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊं तो ये जो है इनका नाम है शशि, ठीक है। इसमें से उन्होंने कहा था कि कार्टून नेटवर्क जो है हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए डीडी फ्री डिश पर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि ये हमेशा दिखाएंगे कि कब तक दिखाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक कहा था। कुछ दिन कब भी हो सकते हैं, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, ये कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो डीडी फ्री डिश पर आपको या तो अपना ऑटो स्कैन करते रहना है MPEG 2 सेट टॉप बॉक्स में, यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई चैनल तो देखने को ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मना नहीं है, यहाँ पे अगर आप ऑटो स्कैन करते हो अपने सेट टॉप बॉक्स को तो यहाँ पे आपको दो चैनल देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। और ये स्टार भारत चैनल जो डीडी फ्री डिश पर जुड़ने वाला था वो नहीं जुड़ा है, सोनी वाह ये सब भी 47E ऑक्शन के तहत ही डीडी फ्री डिश पर जोड़े जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।